देखो ये है एयर प्रेशर क्लच। अभी तक आपने एयर प्रेशर ब्रेक के बारे में सुना होगा, लेकिन एयर प्रेशर क्लच आपको शायद पहली बार देखने को मिल रहा है। और जब हम इसे दबाते हैं तो दबाने के बाद जब हम इसे छोड़ते हैं तो ये पीछे से प्रेशर छोड़ता है। आप सोचोगे कि यार एयर प्रेशर क्लच इसमें क्यों दे रखा है, तो मैं आपको बता दूँ ये है 12 चक्का गाड़ी। और 12 चक्का, 14 चक्का और 16 चक्का गाड़ियाँ जो आ रही हैं, पहले 10 चक्का गाड़ी थी उसमें सादा क्लच हुआ करता था, यानी कि जिसमें ब्रेक आयल पड़ता था। ब्रेक आयल इसमें भी पड़ता है, लेकिन ये जो है एयर प्रेशर से कनेक्ट है ये वाला क्लच जो है। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है ये कि गाड़ी जो है हमारी, आपको मालूम है जो 10 चक्का गाड़ी होती है उस गाड़ी में वज़न होता है 15 टन, और जो 12 चक्का गाड़ी आई है इनके अंदर 20 टन 25 टन तक वज़न लाद लेते हैं। उसकी वजह से इसके अंदर जो है प्रेशर क्लच दे रखा है, क्योंकि जब हम क्लच को छोड़ते हैं तो हमारी क्लच प्लेटें इंजन में कनेक्ट होती जा करके, आपको मालूम ही होगा। और कनेक्ट होने के बाद में इंजन को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, और उसके बाद में क्लच प्लेटों को भी जोर लगाना पड़ता है। भाई वज़न जब ज़्यादा होगा तो जोर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर एयर प्रेशर क्लच नहीं होगा, एयर प्रेशर वाली प्लेटें नहीं होंगी, तो हमारी गाड़ी जो है वो जोर नहीं पकड़ेगी। अगर जोर नहीं लगाएगी तो ये प्रेशर क्लच इसलिए दे रखा है ताकि हमारी जो क्लच प्लेट है वो ज़्यादा मजबूती से इंजन में जा कर के चिपक जाएँ और गाड़ी जो है पूरी तरीके से दम लगा सके। तो आप कभी भी जब 12 चक्का 14 चक्काओं पे बैठोगे तो आप देखोगे कि ये वाला क्लच जो है, जब आप इसे दबाओगे, दबाने के बाद जब इसे आप छोड़ोगे तो ये पीछे से प्रेशर छोड़ेगा। और बाकायदा इस गाड़ी के अंदर जो है टंकी भी आपको अलग से लगी हुई दिखाई देगी, यानी कि जो प्रेशर टैंक होता है पीछे, पहले केवल ब्रेक के लिए आता था, लेकिन अब क्लच का भी अलग से प्रेशर टैंक दे रखा है। तो जब कभी भी आप 12 चक्का या 14 चक्का गाड़ी में बैठोगे तो आप किसी भी ड्राइवर से पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि हाँ प्रेशर क्लच की टंकी जो है वो अलग से दे रखी है। और ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये गाड़ी आप देख लो वही गाड़ी, इसके ऊपर मैं कई एक वीडियो बना चुका हूँ, और इसी के अंदर ये प्रेशर क्लच दिया, क्योंकि जब मैं इसे बार बार दबा रहा था तो ये प्रेशर छोड़ रहा था। प्रेशर छोड़ने की वजह से फिर हमने ड्राइवर साहब से पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि गाड़ी जो है 12 चक्का इसीलिए वज़न ज़्यादा लेती है, वज़न लेने की वजह से इसमें प्रेशर क्लच जो है वो दे रखा है। तो ज़्यादा जोर लगाए गाड़ी, इसलिए प्रेशर क्लच गाड़ियों में आने लगा है। और जो और हैवी गाड़ियाँ हैं उनमें भी सब में प्रेशर क्लच होता है, लेकिन जब जो पहले 6 चक्का गाड़ी चलती थी और जो 10 चक्का गाड़ियाँ थी उनके अंदर ये वाला क्लच नहीं हुआ करता था, वो सादा क्लच होता था। तो ये चीज़ एक नई है, मैंने कहा अपने सब्सक्राइबरों को बता देता हूँ, और आपको समझ में आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं फिर से दोबारा जो एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, और नीचे उतर करके आपको पूरी डिटेल इसके बारे में दे दूँगा अगली वीडियो में। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।